दतिया जिले में बीते कुछ महीनों में हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूटपाट, गोलीबारी के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस एक केस को सुलझाती है तब तक दूसरा केस हो जाता है। अभी दो दिन पहले हुए गोलीबारी के आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार ही किया था। तब तक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमीरपुर तिराहे पर अस्तित्व की लड़ाई में बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी, जिसमें शिवम दांगी नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका एक साथी राहुल यादव गंभीर घायल हो गया। दोनों गुटों में अस्तित्व को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल राहुल की शिकायत पर विशाल यादव एवं राजा परमार एवं चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, हमीरपुर कंजर बस्ती के बीच। कल रात को लगभग 10:30 के बाद की घटना है, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है तथा एक व्यक्ति घायल है। जो घायल है उसके घटनानुसार जो उसने बताया, जिस प्रकार से उसमें FIR कायम कर ली गई है, इसमें कुछ और भी एंगल आ रहे हैं और जो संदिग्ध हैं उनको भी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें हम साइबर की दृष्टि से तकनीकी एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही जो अन्य पहलू हैं उनसे जांच कर रहे हैं और इस मामले का खुलासा जल्दी कर रहे हैं।